पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव! एयर इंडिया की उड़ान में 70 साल की बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेंगलुरु के संजय नगर में छिपा हुआ था। सर, जो आरोपी है उसे कहां से पकड़ा गया और कितना मुश्किल था पकड़ना? आरोपी को बेंगलुरु से पकड़ा गया है। दो दिन से ये अपने अरेस्ट इवेट कर रहे थे। इनका NBW भी इसलिए इशू कराया गया और कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो बेंगलुरु में संजय नगर इलाके से कल रात को अरेस्ट किए गए हैं और आज दिल्ली लेके आया गया। ये घटना बीते साल 26 नवंबर की है, जब न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में बिजनेस क्लास में अपने ठीक पीछे बैठी महिला पर शंकर मिश्रा ने पेशाब कर दिया। उस वक्त आरोपी ने शराब काफी ज्यादा पी रखी थी। इसके बाद पीड़ित महिला की तरफ से 27 नवंबर को इसकी शिकायत एयर इंडिया को की गई। शिकायत में कहा गया कि पेशाब से उसका सारा सामान, पासपोर्ट और कपड़े सब खराब हो गए। जब केबिन क्रू के मेंबरों से शिकायत की तो उन्होंने सामान पर स्प्रे डाल दिया। इतना ही नहीं, उसकी मर्जी के खिलाफ आरोपी को माफी मांगने के लिए सामने ले आए। जब दूसरी सीट की मांग की तो उसे क्रू मेंबर की सीट दे दी गई। मीडिया में मामला उछलने के बाद 4 जनवरी को एयर इंडिया ने इसकी शिकायत पुलिस में की। एयर इंडिया ने अपने 4 केबिन क्रू मेंबर और एक पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें रोस्टर से हटा दिया है। पुलिस इस मामले में एयर इंडिया के उस उड़ान के कर्मियों से पूछताछ कर रही है। सर, इस मामले में क्या एयर इंडिया के स्टाफ से भी पूछताछ आपने की है? कितने लोगों से पूछताछ हुई है? 4 लोगों से हो चुकी है, 5 लोग और हमने बुलाए हुए हैं, वो आज ज्वाइन करेंगे, और इसके अलावा कुछ फेलो पैसेंजर्स हैं जिनको भी बुलाया गया है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कंप्लेन में क्या कुछ कहा गया था? क्या कंप्लेन विक्टिम ने की थी या एयर इंडिया ने की थी? विक्टिम ने एयर इंडिया को कंप्लेंट की थी, और जब ये मामला एयर इंडिया ने हमें दिया तो हमने इनसे डिटेल्स मांगी, तो इन्होंने जब बाकी डिटेल्स दी तो फिर हमने दोबारा से इनको कांटेक्ट किया था विक्टिम को, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कंप्लेंट दी हुई है उनको, एयर इंडिया को, तो अपनी इल हेल्थ की वजह से वो हम लोगों से अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं दे पाई, तो हमने एयर इंडिया से लेके उसी पे कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा कि आरोपी हमें मुंबई में नहीं मिला, लोकेशन ट्रेस कर उसे हमने बेंगलुरु से पकड़ा। अब पीड़ित और एयर इंडिया के केबिन क्रू मेंबर के सामने बिठाकर उससे पूछताछ करनी है। कोर्ट ने पुलिस की दलील खारिज करते हुए आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फ्लाइट में हुई यह घटना बेहद शर्मनाक है। आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर एयर इंडिया और DGCA क्या ठोस कदम उठाते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।